नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाली सीटों के साथ चल रही बसें, सीबीएसई से पिछड़ रहा स्टेट बोर्ड, ताड़ोबा का क्षेत्र बढ़ेगा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। खाली सीटों के साथ चल रही बसें, लॉकडाउन के कारण नागपुर से अन्य जिले और राज्यों में आने जाने वाली प्राइवेट बसों की सीटें खाली हो गई है। प्राइवेट बस संचालक इन दिनों हर रूट पर खाली सीटों के साथ बस चलाने पर मजबूर हो गए है। ऑनलाइन बुकिंग में हर बस में लगभग 75% सीटें खाली ही चल रही है। वही जो बस संचालक 4 बसों का संचालन करते थे, वे अब केवल एक ही बस चला रहे है। इन दिनों केवल पुणे और हैदराबाद जाने वाली बसों में ज्यादा भीड़ है। वहीं रायपुर तक जाने वाली 2 बसों में भी 80% ऑनलाइन सीटें बुक है, लेकिन इन रूटों के अलावा अन्य किसी भी रूट पर यात्रियों की संख्या काफी कम है। बस संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनके व्यापार को काफी नुकसान पहुँचा है। लॉकडाउन के खुलने के बाद ही यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। तो वही दूसरे और सीबीएसई से पिछड़ रहा स्टेट बोर्ड। कोरोना महामारी की वजह से इस बार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। हालांकि परीक्षा तो रद्द की गई, लेकिन छात्रों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक सूची भी देना अनिवार्य किया गया है। इस कार्य के लिए सीबीएसई ने तैयारी आरंभ कर दी है। स्कूल्स को 11 जून तक छात्रों का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड करना है। स्टेट बोर्ड की ओर से अब तक मूल्यांकन के संबंध में मापदंड ही तय नहीं किए गए है। यही वजह है कि छात्रों सहित शिक्षकों में भी संग्राम की स्थिति बनी हुई है। परिणाम जारी करने में हमेशा अव्वल रहने वाला स्टेट बोर्ड इस बार सीबीएसई से पिछड़ता दिखाई दे रहा है। तो वही तीसरे और ताड़ोबा का क्षेत्र बढ़ेगा। राज्य में खासकर चंद्रपुर जिले में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके चलते ताड़ोबा अभयारण्य का विस्तार करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके लिए ताड़ोबा से सटे 2 गाँव का पुनर्वास करने की भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में उनके मुंबई स्थित वर्षा निवास स्थान पर सोमवार हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाते हुए प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग के कामों का जायजा लेने आयोजित इस बैठक में बताया गया कि राज्य में विशेषज्ञ चंद्रपुर जिले में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में फिलहाल 312 बाघ मौजूद है। इस संख्या में प्रति वर्ष बढ़ोतरी का अनुमान है। बाघों की निरंतर बढ़ती संख्या से चंद्रपुर जिले में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं में भी चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी घटनाओं पर समय रहते रोक लगाने की आवश्यकता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।